हेलो, आपने कभी ना कभी द नाइटफॉल गेम के बारे में जरूर सुना होगा और नहीं सुना तो आज हम इस वीडियो में इसी गेम के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भाजोदी, आप देख रहे हैं निशान बात। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, द नाइटफॉल गेम को बना है जेनो गेम्स ने, उसे पब्लिश भी किया है जेनो गेम्स ने। और इस गेम की रिलीज डेट की बात करें तो यह गेम 26 जून 2016 को पूरी दुनिया के लिए रिलीज हो चुका है। आप इसे PS4, Xbox और PC तीनों ही प्लेटफॉर्म पर इस गेम को खेल सकते हैं। और इस गेम की स्टोरी की बात करें तो इस गेम की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। एक एक्शन गेम है। इसकी स्टोरी है कि इसके अंदर कुछ छिपी हुई चीज़ें होती है, उन्हें ढूंढना होता है। यही इस गेम की पूरी स्टोरी है। मतलब कुछ चीज़ छिपी होती है और जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर कुछ चीज़ छिपी हुई होती है, हमें उन्हें ढूंढना होता है। यही इस गेम की स्टोरी है। तो आप इस गेम को विंडो PC पे खेलना चाहते हैं तो आप इस गेम को स्टीम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस गेम की प्राइस 370 रुपये, मतलब 370 रुपये देकर इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस गेम की बात करें, आप इसे विंडो PC पे खेलना चाहते हैं तो उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो इस गेम को विंडो PC पे खेलने के लिए आपके पास इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर चाहिए, हेवी ग्राफिक्स में खेलने के लिए 4 GB रैम चाहिए और HD ग्राफिक कार्ड चाहिए और 3 GB तक, 3 से लेकर 5 GB तक आपको हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए। तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये बहुत छोटे प्रोसेसर के अंदर ये सारी सभी चीज़ें मिल जाती हैं। आपके पास ये छोटा सा प्रोसेसर है तो आप इस गेम को स्टीम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी 370 रुपये दे। और इस गेम की बात करें तो इस गेम को एक अवार्ड मिल चुका है, बेस्ट नेटिव स्टोरी मोड का अवार्ड मिल चुका है। इस गेम को 2015 का बेस्ट स्टोरी गेम है। 2015 सबसे ज़्यादा पसंद की जाने स्टोरी का गेम था। आपको यह गेम पसंद आता है, इस गेम स्टीम पर जाकर डाउनलोड करते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आता है, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे रोज आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियो लेकर आते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।